नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिक्स एक्सपर्ट पे। मैं गौरव कुमार आज आप सभी को इस वीडियो में मिलाऊंगा एक ऐसे शख्सियत से जिन्हें हम सभी मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं, जिनका असली नाम ओमकार नाथ शर्मा है। और ओमकार नाथ शर्मा का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था। ओमकार नाथ शर्मा पेशे से एक हॉस्पिटल में ब्लड बैंक टेक्नीशियन थे और उस हॉस्पिटल का नाम कैलाश हॉस्पिटल था, वो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। जब उन्हें यह महसूस हुआ, जब वह मेडिसिन बाबा के तौर पर अपने आप को समर्पित कर दिए, तब वो रिटायर्ड हो चुके थे। और यह भाव उनमें 2008 में जो कंस्ट्रक्शन के दौरान आपदा हुई थी दिल्ली में मेट्रो में, उनसे आई। मेट्रो की इस आपदा से उनके ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और वह मेडिसिन बाबा के रूप में लोगों को मेडिसिन बांटने लगे, लोगों से मेडिसिन मोहल्ले दर मोहल्ले कलेक्ट करने लगे। 2012 में उन्होंने दो शख्सियतों से भारत में कोलैबोरेशन किया, जिनमें से पहले हैं मिस्टर सचिन गांधी और दूसरे शख्सियत जो हैं उनका नाम है मिस्टर अरुण हुडा। मेडिसिन बाबा यानी कि ओमकार नाथ शर्मा जी ने इन दोनों से कोलैबोरेशन किया अपने विज़न को और भी बड़ा करने के लिए, अपने विज़न को और भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए। 2015 में फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वह मेडिसिन बाबा को एक ट्रस्ट के रूप में उतारेंगे और उन्होंने 2015 में इसे एज ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा लिया गया और यह पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन उन्होंने दिल्ली में कराया। और 2015 से मेडिसिन बाबा अपने सारे कार्य को इस ट्रस्ट के माध्यम से करने लगे। मेडिसिन्स को जब वो कलेक्ट करते थे तो उस वक्त उन्हें एक्सपायरी को भी देखते थे। 2016 में उन्हें दिल्ली गौरव अवार्ड से नवाजा गया था, यह अवार्ड उन्हें दिल्ली में दिया गया था। 2017 में उन्हें सूरवीर अवार्ड से नवाजा गया था, यह अवार्ड उन्हें मुंबई में दिया गया। तो यह थी कहानी मेडिसिन बाबा की। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यह ट्रिब्यूट थी मेडिसिन बाबा यानी कि ओमकार नाथ शर्मा जी को, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।